हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब लोग? और गेमिंग साइट पे आप सबका वेलकम। मैंने मैप चेंज कर दी है और इस बार मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं पूछा कि मुझे कौन सा मैप खेलना चाहिए। तो मेरा जो है वो ये फेवरेट मैप है फार्मिंग सिमुलेटर 17 से ही, और अभी भी जो है वो फेवरेट ही है अभी तक। फार्मिंग सिमुलेटर 17 में मैंने ये मैप बहुत देर के लिए इसको खेला था। तो मैप का नाम है जी द ओल्ड स्ट्रीम फार्म। छोटा मैप है, 37 इसमें जो है वो फील्ड्स हैं, और बहुत ही वर्सटाइल किस्म का मैप है। छोटे टूल्स इक्विपमेंट्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें बिग बर्ड घसेड़ने की कोशिश करोगे तो वो एक बिल्कुल जो है वो मतलब कि उसको आप इस मैप में प्रॉपरली ड्राइव भी नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़बरदस्त मैप है ये, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मेरा ये फेवरेट मैप है। और यहाँ पे हमें बहुत सी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक स्केयर क्रो है, यहाँ पे बैठने की जगह है, और यहाँ पे कुछ टोमेटोज़ जो हैं वो प्लांट किए गए हैं। तो ब्लैक शीप मूडिंग जो है वो इनके मैप्स जो हैं वो ऑलवेज मूड्स जो हैं वो ऑलवेज बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ओके जी, लेट्स सी के गैराज में हमारे पास क्या है यहाँ पे। तो एज़ एक्सपेक्टेड, जैसा कि एक्सपेक्ट की कर सकते थे हम कि बहुत बड़ा मैप नहीं है, तो उस हिसाब से व्हीकल्स भी हमारे पास जो हैं वो काफ़ी छोटी हैं। फेंट का 500 फेवरेट है, ठीक ठाक हॉर्स पावर है, एक छोटी हार्वेस्टर है, एक पिकअप ट्रक है। आई डोंट थिंक कि मुझे इसकी कहीं पे भी ज़रूरत है, तो ये 23,000 तो मेरे किसी काम आएंगे। ओके, तो इसके बाद ये और छोटे छोटे टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं। ओके, तो अब बारी आती है टूल्स एंड इक्विपमेंट की। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इस मैप को लेके मैंने कुछ स्पेशल किस्म के जो हैं वो मोड्स इंस्टॉल कर रखे हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी हॉर्स पावर को अपग्रेड करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। ओके, रूफ, तो यहाँ पे भी इसकी जो है, यहाँ पे मैं अर्सस का एक ट्रैक्टर यूज़ करने वाला हूँ। हालांकि हॉर्स पावर जो है वो इसकी बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी कॉन्फ़िगरेशन 5 kg फ्रंट, 50 kg फ्रंट वेट, 100 kg, तो ये काफ़ी हल्का ट्रैक्टर है। तो आई गेस फेंडर्स, फेंडर्स के भी नहीं, ठीक है यार। व्हील सेटअप में फ्रंट एग्रीकल्चरल टायर्स और अगेन स्टैंडर्ड, को बहुत ज़्यादा मतलब इसमें है नहीं। कस्टमाइजेशन और रूफ आई गेस के हाई ही ठीक है, और कलर वगैरह जो है वो सेम हम रहने देते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो ट्रैक्टर है वो ये है आई गेस, अगेन अर्सस का, और ये ट्रैक्टर जो है इसको मैं इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में जो है बाय करना पसंद करूंगा। ओह माय गॉड, इसको देख के मेरे को डर लग रहा है कि ये कहीं पे, ओह माय गॉड, व्हाट वाज दैट। अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ओल्ड डिज़ाइन 3 चूज़ करूँ या ओल्ड डिज़ाइन आई गेस 2 था, हाँ 2, कौन से वाला, ये वाला थोड़ा सा ओके। तो हम इसके साथ जाएंगे, अब से जो है वो चलने की कोशिश करते हैं। आई जस्ट होप के स्टेयरिंग व्हील में डेड जोन ना आया हो। ओके, तो नहीं है इस बार थैंकफुली। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इसका इंटीरियर दिखा दूँ। वाओ यार, अरे इसके गियर भी मूव कर रहे हैं, वाओ यार दैट्स अमेजिंग। ये नीचे से नज़र भी आ रहा है, मतलब फ्लैट है डिज़ाइन इसका नीचे से। एयर कंडीशनर तो होगा ही नहीं इसमें, पक्की बात है, डेफिनेटली नहीं है। और यार आज पता नहीं क्यों मेरा गला क्यों थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ कुछ अजीब सी आ रही हो तो। ओके जी, तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे इस ट्रैक्टर को ड्राइव करने में।
अरे नहीं रुक जा, इसका एक्सेलरेशन भी थोड़ा सा अजीब सा है यार। ओके यहाँ पे मैं पहले मैप देख लूँ तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरफ को करके जो है वो जा सकते हैं। अमेजिंग, काफ़ी जो है वो आज अलग सी फीलिंग आ रही है इस ट्रैक्टर को ड्राइव करके। और इसके पीछे वाले टायर जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे हैं मुझे, मुझे नहीं पता क्यों पर लग रहे हैं। और ट्रैक्टर इसमें जो प्लेयर बैठा है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, हालांकि बाकी के ट्रैक्टर्स के साथ सीन ये होता है कि उसमें जो प्लेयर है वो काफ़ी छोटा नज़र आ रहा था, लेकिन इसमें उलट ही है। ओके जी, तो गेम यहाँ पे लैग हुई, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे है जी हमारा शायद एनिमल डीलर शॉप, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ओवरऑल जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये मैप बहुत ही खूबसूरत है, हम इसकी एक पूरी की जो है पूरी जो है वो एक सीरीज़ लेके चलने वाले हैं। मैंने इसलिए शुरू में छोटे छोटे जो टूल्स और इक्विपमेंट्स परचेज कर रहा हूँ ताकि हम जो है वो एक प्रॉपर एज अ गरीब पुअर फार्मर इसमें जो है वो स्टार्ट कर सकें। वाह यार, दैट्स अमेजिंग, मुझे लिटरली में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस ट्रैक्टर को ड्राइव करने का। वाह अच्छा, मतलब इसके गियर मूव करते हैं यार, मुझे तो यही चीज़ बार बार जो है वो इम्प्रेस कर रही है। हाँ तो यहाँ पे हम कहीं पे मिस तो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हमने लेना है जी थोड़ा सा राइट। वाह यार, गियर्स का मतलब कि ट्रांसमिशन का क्या ख्याल रखा है यार एनिमेशन का इन्होंने, अमेजिंग। बहुत कम नज़र आता है इस तरह का मोड आपको फार्मिंग सिमुलेटर 19 के लिए स्पेशली, लेकिन कमाल हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस गेम प्ले में जो है वो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ खास कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम तो जो है इसमें मैप इंट्रोडक्शन में ही गुजरने वाला है। तो यहाँ पे हमने जाना है, क्या इस तरफ से रास्ता नहीं है हमारे पास? ओके जी, तो थोड़ा सा हमें नेक्स्ट फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, मुझे लगा था शायद यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता हो, खैर तो नहीं है यहाँ पे। वाह यार, एक छोटी सी स्ट्रीम भी है नदी टाइप सी। अबे गाड़ी वाले, तुझे बहुत जल्दी है। ओके तो ये, अरे नहीं नहीं यार, ये पागल रोक के क्या कर रहे हैं यार ये। और वाह, यहाँ पे इसमें हमें पेडेस्ट्रियन भी हैं भी इस बार। वाह बहुत काम किया है यार, मतलब ब्लैक शीप मोडिंग वालों ने, अमेजिंग मैप है यार ये, बहुत ज़बरदस्त मैप है, अमेजिंग, नो डाउट वन ऑफ मैं डेफिनेटली इस मैप को खेलने तो वाला ही हूँ, लेकिन हमें डेफिनेटली मज़ा भी जो है वो अभी बहुत आने वाला है इस मैप को खेलने का। एक प्रॉपर जब हम इसकी सीरीज़ लेके चलेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा जो है ओके तो इसको हम रिवर्स करते हैं, यहाँ पे पार करते हैं और हम दूसरे ट्रैक्टर को लेके आते हैं। नो तो अरे यार, ये कुछ ज़्यादा ही फ्लैट नहीं लग रहा है ऐसे इन व्हील्स के साथ। खैर तो इसको देख के मुझे डर लग रहा है कि ये कहीं सड़क पे बिखर ही ना जाए, ये ना मुझे इसका एक एक चीज़ उठा के दोबारा इसको असेंबल करना पड़े। यार ये बहुत रस्टी इन्होंने बना दिया है, और इसका पीछे वाला ग्लास भी नहीं है, लेफ्ट वाला भी नहीं है, खुली हवा आएगी यार, आने दो। ये इतना पुराना है ये ट्रैक्टर, लेकिन वाह इसका फिर भी एक्सेलरेशन मतलब कि चेक करो यार। आई गेस के इसकी फिजिक्स भी अगर थोड़ी सी चेंज कर देते तो बेहतर होता, थोड़ा का रियलिस्टिक इसको बना देते, मतलब इसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा स्लो रख देते। खैर नहीं रखा उन्होंने, अंदर से भी स्टेयरिंग जो है वो काफ़ी सिंपल है। आई गेस नो, आई एम सच अ डम ड्राइवर। आई गेस के इन्होंने इसमें ऑटो ट्रांसमिशन टाइप्स करके कुछ रखा है सिस्टम, गियर जो है वो पिछले ट्रैक्टर की तरह कुछ इतने विजिबल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन खैर जो भी है अच्छा है। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ड्राइव ही नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। तो इसको अभी हम लेके चलते हैं उसी तरह अपने मेन फार्म पे, थोड़ा सा इसको
चलते हुए का नज़ारा मैं आपको करवा देता हूँ। वाह, ये मतलब पीछे इसके टायर मतलब किस चीज़ के बने यार, शिफ्ट आल्ट और एस दबा के यहाँ पे जो है वो अभी हम डिलीवरी कुछ ऐसा करके एक है मूड यार। लेकिन अभी मैं जो भी बाइक करूँगा वो डायरेक्ट यहाँ पे ही आ जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मैंने पहले जो है वो इतना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया, मेरी मर्ज़ी। तो ये हार्वेस्टर मुझे अच्छी लग रही है लेकिन इसकी प्राइस बहुत हाई है। तो हम वैसे भी हमारे पास जो है वो फील्ड्स भी इतने बड़े नहीं होने वाले, तो हम किसी छोटी हार्वेस्टर के साथ चले जाते हैं। ओके, मैसी फर्गसन एक्टिवा। तो ये हार्वेस्टर, एक मिनट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वाइट टायर्स स्टैंडर्ड। ओके, बहुत ही फजूल कॉन्फ़िगरेशंस थी भाई इसकी। तो हेडर्स जो हैं वो हम यहाँ पे अभी परचेज़ कर लेते हैं। ये वाला हेडर है एक्टिवा का, और अभी इसके बाद हमने इसके लिए एक कॉर्न का जो हेडर है वो परचेज़ करना है। ओके, तो वो हमें मिलेगा यहाँ पे। और ये वाला जो है हम यूज़ कर पाएंगे इसको, हम कल इसको हम कलर कर लेते हैं जी मैसी फर्गसन का, और इसको कर लेते हैं जी परचेज़ यहाँ से। और ये हमारी आ चुकी है हार्वेस्टर, कुछ अभी जो है वो बेहतर है। अभी हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमें चीज़ों की अपग्रेडेड चीज़ों की खासकर ज़रूरत होगी तो वो हम साथ ही साथ अपग्रेड कर लेंगे। अब जाए इसके कि अभी से जो है वो मैं सारे अपने पैसे ज़ाया कर लूँ और फिर कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो हमारी रह जाएँ, उसको हम अपग्रेड ना कर पाएँ, तो वो फिर बाद में एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो अभी हम यहाँ पे इस हेडर को कनेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने फील्ड की तरफ जहाँ पे हमें कॉर्न को जो है वो हार्वेस्ट करना है। आई गेस के मुझे जो है वो इंटीरियर कैमरा यूज़ कर लेना चाहिए। और अच्छा, अभी कौन सा फील्ड है हमारे पास, तो इसमें हमने पहुँचना कैसे है? ओके, तो आई गेस के नो यार, ये क्या क्या दबा दिया था मैंने। तो यहाँ पे अभी ट्रैक्टर भी मैंने दरमियान में खड़ा कर दिया है, तो यहाँ से आई गेस हम जा सकते हैं ऊपर। मैंने पहले भी जैसा कि बताया खेल रखा है ये मैप, तो अभी कुछ कुछ आइडिया है मुझे। हालांकि मतलब हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर चेंज कर दिए हों, बल्कि कर दिए हैं कि ये होंगे नहीं, तो इसके बावजूद जो है वो हम, अरे बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है यार ये तो यहाँ पे। ओके, तो यही है जी हमारा फील्ड, और इसको बेहतर है कि हम दूसरे एंड से हार्वेस्ट करने की कोशिश करें। अरे नहीं यार, तू नहीं, तू अनफॉलो। ओके जी, तो यहाँ पे हम फाइनली कर सकते हैं अपना हार्वेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट। कॉर्न को जो है अभी हम यहाँ पे हार्वेस्ट, अरे नहीं, ये मिस क्यों कर रही है यार, मुझे लगा शायद ये हार्वेस्ट ही नहीं कर पाएगी। अभी देखो इसने बहुत मिस किया है यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्यों। हाँ, मुझे लगे एकदम के लिए ऐसे लगा कि ये बस नहीं हार्वेस्ट करेगी और मैं क्रॉप डिस्ट्रक्शन की वजह से ये सारी बर्बाद करने वाला हूँ। ओके, तो छोटा हेडर है, काफ़ी इसको जो है वो टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा मज़ा आएगा हार्वेस्ट करने का। तो बाकी जो है हम हार्वेस्ट करते हैं इस फील्ड को, और
बाकी की वीडियो मैं एडिटिंग के दौरान यहाँ से कर दूँगा। फास्ट फॉरवर्ड कुछ अच्छा सा इसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बहुत सी इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाकी की वीडियो इंजॉय करें। बाय। Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder.